गौर से सुनिएगा क्या क्यों मुझे बैरिया टॉन गली नंबर चार मकान नंबर बारह में अकेला छोड़ के चली गई बेगम अब जो हो रहा है ये रिएक्शन वालों की वजह से हो रहा है और खासकर कर सीनियर वगैरह कौन केड़ा सीनियर है कौन है ये कि किसको को कहा है किसको कहा है आपने किसको सीनियर के कह दिया सीधा सीधा बुजुर्ग के कह दिया आप बुजुर्ग लगते हैं <laughs> अभी तो मैं जवान हूँ और से सुने और बाकी भी कमेंट वाले भी और से सुने आ, जो चाचू ने कमेंट मुझे किया था वो मुझे बुरा नहीं लगा जो उन्होंने लूम करार दे के फिर हम पे बातें करते हैं और हमें ट्रोल करते हैं आ, वो कमेंट क्यों करेंगे मैं तो उनका खून हूँ वो मेरे लिए कमेंट नहीं था वो कहते <laughs> अच्छा सारे रिश्तेदार जो हैं उन्होंने बहुत सारी बर्बादियाँ फेरी हैं बहुत ज़्यादा बातें की हैं बहुत मचाया है वाईटी पे गंद डना डन डंड़न। य हम लोग इस टाइम बाहर हैं आपने वीडियो बनाई और उसके फौरन बाद लोगों ने बद दुआएं देना शुरू कर दी हाय बिचारी कौन सर हाय लुटी गई हाय ओ बर्बाद हो गई हाय बिचारी खेतों में दगड़ दगड़ है रिएक्शन वो इनको नजर नहीं आए सिर्फ हमारे ही नजर आए हैं जो हम लोगों ने इसको कहा कि तूने क्यों ही है? और गंदी गंदी बद अब तो यहाँ तक भी आ, बाकी दुआएं जो दी जा रही हैं सितारा चाची को तो बहुत गलत बात है और कौसर का निकाह चाचू से हुआ है सितारा के साथ नहीं हुआ ये आप मुझे अच्छा लगा और यही हम बोलते हैं ये भी नीचे पूछ रहे थे ये बताएं व्यास सच्चा है या झूठा है तुफ है भाई ऐसे लोगों पे जो इस तरह के अभी भी कमेंट करते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक है उम्मीद है कह रहेन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया मैदान की छोटी टोटी पतली मोटीज सबको बहुत सारा प्यार तो जी जनाब आज मैं ना एक फनी सी चीज पढ़ने लगी गौर से सुनिएगा एक शख्स की बीवी मर गई और वो ऊंची आवाज में जोर जोर से रोने लग गया और कहने लगा मुझे छोड़ के चली गई आए मुझे छोड़ के चली गई तो पास खड़ी आंटी अपनी सहेली से बोली काश इसका एड्रेस मेरे पास होता मैं इससे शादी कर लेती इसने ये सुना मतलब उस आदमी ने यह सुना तो ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगा गौर से सुनिएगा रोते हुए कहने लगा क्यों मुझे बैरिया टाउन गली नंबर चार मकान नंबर बारह में अकेला छोड़ के चली गई बेगम ठर्क बाजी जो है ना इनकी खत्म नहीं होती मर्दों की समझ आई नहीं आई आने भी नहीं कह तभी अच्छा जी फातमा भाई भाभी का जो है ब्लॉग आया शाम को जबरदस्त भरजाई बहुत अच्छी बातें कि बड़ी समझदार हो तुम है और ज़बरदस्त खुश रहें जी अल्लाह ताला आप लोगों का साया आपके बच्चों के सर पे सलामत रखे और कोई घर ख़राब ना हो सबकी दुआएं होती हैं और यहाँ पे तो जनाब बस जब कोई फैमिली फंस जाती है ना किसी कंट्रोवर्सी में या चीज़ों में या मसले मसाइल में है यहाँ पर तुम्हारे भाईजानी ज़रा गायब हो गए थे ना तो मसला सीरियस भी था खैर अच्छा जी आ, अब मसला इनका हल हो गया आपस में ठीक है हस्बैंड वाइफ हाँ नाराज़गियाँ होती हैं वाइफ की क्यों नहीं होती होती हैं होनी भी चाहिए क्यों होनी चाहिए वो इसलिए होनी चाहिए कि इस, इससे भी रिश्ता मजबूत होता है गिले शिकवे करना भी जरूरी होता है तो दूसरी बात ये कि <coughs> हाय हाय कौन सर की दो पल की खुशी लोगों से हजम ना हुई आए हाय 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 अच्छा जी हीरा साहबा जो हैं उन्होंने जो है रिएक्शन दे डाला और अपने रिश्तेदारों की फेवर में और लोगों को बताना चाहा कि सारा मुद्दा ख़राब जो हो रहा है ये रिएक्शन वालों की वजह से हो रहा है और ख़ासकर सीनियर्स वगैरह कौन केड़ा सीनियर है कौन है ये किस को कहा है किसको कहा आपने किसको सीनियर कह दिया आपने एजट कह दिया बुजुर्ग कह दिया सीधा सीधा बुजुर्ग कह दिया आप आप जवान तो हूं अच्छा जी उनका कहना है कि मेरी बात गौर से सुने मेरी बात गौर से सुने रिएक्शन वाले चाचू ने जो कमेंट किया था मुझे बुरा नहीं लगा कहती हैं रिएक्शन वाले गौर से सुने और बाकी भी कमेंट वाले भी और से सुने आ, जो चाचू ने कमेंट मुझे किया था वो मुझे बुरा नहीं लगा जो उन्होंने साजिद साहब ने बोला था कि प्लीज़ आप अ, मेरी वाइफ को जो है मत अ, वीडियो में लें और इस तरह से कुछ बोला था मैं देखूँ यहाँ पे पड़ा है मेरे पास हो mm. गया oh, oh अच्छा जी मैंने मेरा ख्याल से डिलीट कर दिया पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं लेकिन हाँ मैंने जो है डिलीट कर दिया अच्छा जी यहाँ पे जो है उन्होंने बोला था कि आप जो है क्यों मेरी वाइफ़ को मेरे रोकने के बावजूद जो है वीडियो में ले रही हैं और उसके बाद जो है लोग उसे मज़लूम करार दे के फिर हम पे बातें करते हैं और हमें ट्रोल करते हैं लेकिन लेकिन जो सितारा को सपोर्ट करते हैं सब ने फिर चढ़ाई की इस बंदी पे वो है जब चचा जान रोक रहे हैं तो उसके रोकने के बाद भी दो वीडियो आपने क्यों डाल दी क्यों आप किसी को इस तरह ज़बरदस्ती ले रही हैं उनकी इजाज़त के बगैर तो ये मोहतरमा कहती हैं कि खुदा रहा मेरी बात सुने सारे थोड़ी सी तहमीज के दायरे में रहते हुए बात करना शुरू की इस बंदी ने कहती मुझे चाचा ने कमेंट किया मुझे बुरा नहीं लगा लोगों को बुरा लगा मेरा चाचू मुझे वो कमेंट क्यों करेंगे मैं तो उनका खून हूँ वो मेरे लिए कमेंट नहीं था वो कहती है लोग जो है हम लोग जो है ब्लड से हैं वीडियो से रिलेट नहीं है हमें हम लोग मतलब हमारा वीडियो वीडियो नहीं है हम लोग खून से रिलेटेड हैं जिस तरह आप लोग ने हम पे रिएक्शन और कमेंट की जो भरमार की है उसकी वजह से उन्होंने मुझे ये बात बोली मेरे चचा ने जज्बाती हैं क्या करूं मेरा चचा जो है जज्बाती है जज्बात में आके कमेंट कर गया लेकिन मैंने उनसे बात की सितारा चची से और चचा से फिर मैंने उनको समझाया वो समझ गए लेकिन सितारा चची जो हैं वो कुछ सही से जल्दी से समझ गई क्योंकि वो एक ब्लॉगर है मैंने जब सारी बातें सारी हकीकत उनको समझाई तो जो है चाची एक व्लागर की हैसियत से सितारा जो है वो समझ गई और उसने मेरी बात को एग्री किया मैंने उन लोगों को कहा कि मैं नहीं लेके गई कौसर को कौसर मुझे ज़बरदस्ती लेके गई है अपने साथ और मैं व्लागर हूँ मैंने वीडियो बनानी थी जब मैंने वीडियो बनानी थी उसके बाद कौसर के भाई ने भी वहाँ पर वीडियो बनानी थी वो भी व्लॉग बनाता है तो जब मैं कौसर चाची को ना लेती अपनी वीडियो में तो लोग कहते हैं Hmm, बड़ी जलती हो कौसर से तुम तुमने कौसर को लिया तो लिया तो क्यों नहीं है अपनी वीडियो में तो फिर इसलिए मैं उनको कौनसर बाजी को साथ में वीडियो में लेती रही और वीडियो मैंने बनाई तो ये थी मेरी मजबूरी उफ ये मगरूरी हाय ऊपर से ये दूरी मतलब ऐसे कुछ कहना चाहिए अच्छा जी तो रिएक्शन वाला रिएक्शन वाले को भी मैं अच्छा जी अच्छा अच्छा जी लोग कहते हैं कि मैं उसे जलती हूँ और ब्लॉग में नहीं लेती और रिएक्शन वाले अपना कंटेंट लेके आए हम पे बात ना करें मेरी जान हमारा यही कंटेंट है हमने उस टाइम कंटेंट बनाया जब लोगों ने आपके चचा को और कौसर को और सितारा को ट्रोल करना शुरू किया उस टाइम से बना रहे हैं अच्छा जी हम पे बात ना करें मुझे पता है हमारे ख़ानदान वालों ने बहुत बर्बाद दिया फेरी हैं ये बंदी कह रही है कि हमारे ही मुझे पता है हमारे रिश्तेदार जो हैं उन्होंने बहुत सारी बर्बादियां फेरी हैं बहुत ज़्यादा बातें की हैं बहुत मचाया है वाइटी पे गंद डना डन डंड़न। डन ये था कहना <laughs> हीरा विरा प्लस का अच्छा जी लेकिन मैंने सितारा से बात की और उसे समझाया तो वो समझ गई बाकी सितारा को बद दुआएं मत दो अच्छा जी सितारा ने फिर कहा ना उसने कहा कि यार हम लोग इस टाइम बाहर हैं हम लोग इस टाइम बाहर हैं आपने वीडियो बनाई और उसके फ़ौरन बाद लोगों ने बद दुआएं देना शुरू कर दीं हाय बिचारी कौन सा हाय लुटी गई हाय बर्बाद हो गई हाय बिचारी खेतों में दगड़ दगड़, दगड़ <laughs> मतलब खेतों में वो परेशान हाल फिरी जा रही है और बुला रही है, मेरा रांझा है सचू कितें और मेरा रांझा सचू कितने गया वे रांझू वे तू अपनी रांझे की हीर होती है ना मैं रहा तेरा तू हीर मेरी ऐसे ही कुछ होता है अच्छा जी तो मतलब वो तो अपनी सितारा के साथ फिर रहा है और वो जो है बेचारी इस तरह से दिए हैं रिएक्शन वो इनको नज़र नहीं आए सिर्फ हमारे ही नज़र आए हैं जो हम लोगों ने इसको कहा है कि तूने क्यों लिया वीडियो में हमने भी इसलिए वीडियो बनाई ना कि सितारा और साजिद को फिर तंग करते हैं लोग बदधुआं देते हैं तो सितारा ने फिर इसको समझाया और मेरी बहन बात तो सुन तूने वीडियो में दिखाया लोगों को याद आ गई ओ कौसर भी है कौसर भी है बेचारी वो तो वहाँ कमली बेचारी घर में पड़ी है मजलूम सितारा घूम रही है फिर रही है और गंदी गंदी बद दुआएं अब तो यहाँ तक भी जिन्होंने जो है रबता किया है साजिद साहब के किसी दोस्त को तो ये भी एक अफवाही है कि हम ये जो है ना ऐसे कर देंगे या फलाना रिश्तेदार ऐसे कर देगा इसके साथ तो <coughs> अलर्ट रहे अब उसने वीडियो बना डाली मेरा मुद्दा ये था कि ये बंदा सेपरेट बात करता उसका ट्रिप ना खराब हो हड़बड़ी मच जाती है ना लोग फिर हड़बड़ी हा व ही ही शुरू हो जाते हैं तो इसलिए जो है इन लोगों को उनका ट्रिप अभी ख़राब नहीं करना चाहिए था जब कोई रिश्तेदार आता है या ये यह यहाँ पे आ जाते तो फिर बताता कि भाई ऐसे ऐसे जो जो है प्लानिंग चल रही है या फिर साजिद को अलर्ट कर देता साजिद अलर्ट हो जाता है ये ना कहकर बिल्कुल नहीं होता तो उसने फिर कहा कि यार तुम्हारी वीडियो में लेने की वजह से लोग मुझे और साजिद को ट्रोल करना शुरू हो गए हैं और वाकई बार बार किए जा रहे हैं कर रहे हैं से देखा है इस तरह के कमेंट भी आना शुरू हो गया जल्दी जल्दी चैनल बना के दे मतलब एडवाइस देना शुरू हो जाते हैं हैं अच्छा जी बाकी जो दी जा रही सितारा चाची को तो बहुत गलत बात है और कौशर का निकाह चाचू से हुआ है सितारा के साथ नहीं हुआ यह आपकी बात मुझे अच्छी लगी इसकी ये वाला पॉइंट जो था ना मुझे अच्छा लगा और यही हम बोलते हैं यही हम बोलते हैं कि आप लोग सितारा को बदवाए क्यों देते हैं किस वजह से देते हैं सितारा को दुआएं क्या सितारा ने निकाय किया कौशल के साथ क्या वो खर्चा दे या वो जाके समझ जाओ ठीक है वो करे सचू करेगा ना मतलब अपनी आ, हीर को इंटरटेनमेंट है तो, तो इसमें जो है Uh, अगर कौसर की तलाक हुई तो ये भी uh, कहती है मुझे कमेंट आ रहे हैं कि अगर कौसर की तलाक हुई तो हीरा की वजह से होगी लोग कहते हैं तो ये बात याद रखें यहाँ पे इसने ज़ोर दिया बार बार जोर दिया इस बात पे और कहा कि ये बात याद रखो वो मेरे पास प्रूफ है और मैं प्रूफ करूँगी मैं बताऊँगी कि क्यों होगी तलाक पहले तो अल्लाह ना करे नहीं होगी ऐसा कोई चांस नहीं है कि कौशर को तलाक हो लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से होगी तो मेरी वजह से नहीं होगी जिस वजह से भी होगी वो मैं प्रूफ बताऊंगी वो प्रूफ बात करूंगी ओ माय गॉड गेट माय लास्ट ये क्या हो गया नशी अच्छा जी मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी मैंने बाद में देखी इससे पहले ही मैं बात कर चुकी थी कि कल कला को ऐसा टाइम भी आ सकता है कि साजिद सितारा कौन सा इनके ये प्रूफ रखेंगी अपने पास <coughs> पता नहीं क्यों मेरा मैं मुझे ना आप देख देख के ना पता चल जा, गया है कि ये ये हो सकता है क्योंकि लोग कर रहे हैं ऐसा देखा फिलहाल टाइम में आपने ये बोला बोला था ऐसे बोला था ऐसे बोला था ऐसे बोला था तब तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो प्रूफ है पता नहीं कौन से प्रूफ हैं किस वजह से होगी तलाक है अगर होगी पहले तो ऐसा कोई चांस है ही नहीं लेकिन ये प्रूफ कौन से हैं भाई अच्छा जी ये जो आपको सपोर्ट करते हैं अभी भी नीचे पूछ रहे थे ये बताएं ब्याज सच्चा है या झूठा है तुफ है भाई ऐसे लोगों पे जो इस तरह के अभी भी कमेंट करते हैं कि कौल सर और साजिद हस्बैंड वाइफ नहीं है तुफ है अच्छा <laughs> <laughs> कहते हैं और हमारे खून के रिश्ते हैं कमजोर जो है नहीं है हाँ कुछ लोग हमारे में हैं जो लोगों के कमेंट और बातों में आ जाते हैं और रिएक्शन की वजह से जो है अलग हो रहे हैं दूर हो रहे हैं और अलग से जो है जुदा होते जा रहे हैं इनका कहना कहीं ना कहीं ना बीच में मुझे लग रहा था फोर सिस्टर वाली जो है उनके ऊपर बातें थोड़ी सी कर रही थी कि वो लोग जो है रिएक्शन तो देने आ गए हैं खून के रिश्ते जुदा कर रहे हैं और मेरा रिश्ता मेरे रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ रिएक्शन दिए डंडना डं हम्म डं हम्म डं 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 यानी कि उन्होंने रिएक्शन दिए हैं मेरे पे भी अगर हम खुद अच्छे से रहें तो कोई रिएक्शन ना देता हम लोगों पे अब इतने सारे जो दुनिया में रिएक्शन दिए जा रहे हैं हम लोगों पे हमारे अपने में बाउंडिंग नहीं है हमारे में अपने में प्यार नहीं है इसलिए जो है ये लोग रिएक्शन देते हैं देखें पुत्र मेरी बात सुने मेरी बात आपको पता नहीं समझ आएगी या नहीं आएगी ये पहले पहले जो रिएक्शन दिया था ना फर्स्ट वो आपका भाई था वो आपका भाई था जिसने आपकी चची सितारा और चचा को बदनाम किया वो आपका भाई था और हेटरों की लाइफ में गया उनको बुरा भला बोला चची को और चचा को अब आप कहती हैं कि वो बच्चा है तो नहीं आप कहती हैं चाचू साजिद जो है वो जज्बाती हैं तो नहीं वो एक समझदार और सुलझा हुआ बंदा है जब आप इग्नोर कर रही होंगी तो ही उसने कमेंट किया और दूसरी बात ये कि जब आपका भाई वीडियो बना रहा होता था और बोल रहा होता था तो आपकी फैमिली की लेडीज या आप पत्नी खुद भी थी वो पीछे घूम रही होती थी उनके सामने सारा कुछ हो रहा था तो सबसे पहले जो रिएक्शन दिए गए थे वो आपके ही घर से आपके भाई ने स्टार्ट किए थे आपने देखा या नहीं देखा लेकिन मदनी बहुत सारे हेटर्स जो सितारा को कहते थे कि साजिद कराए की है आ, है कौन कराए की कौन सर कराए की <laughs> कौसर कराई की है और उसके बाद गजनी बना दिया है जो कहते थे कि कौसर जो है वो कराए की है साजिद कराए की कौसर लाया है और शादी जो है फेक है ये सिर्फ कंटेंट है तो मेरी बात याद रखें ये आपके ही घर से पहल हुई थी बाकी बाद बाद में लोगों को चस्का लगा जो और रिश्तेदार हैं उनको चस्का बाद में लगा रिएक्शन का और ये खत्म नहीं हो सकता और मुझे पता है क्या लग रहा है अब आपको भी चस्का लग जाना है आप कह रही थी ना नहीं मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूं अगर जोड़ने की कोशिश कर रही करी हमें सीरियसली हमें नहीं ऐतराज वर्दा जैसे कह रही थी हम तो पहले ही दिन से कह रहे हैं हमें नहीं है एतराज लेकिन सितारा को मत गिराए ना साजिशें मत करे कोई सितारा नहीं है गलत रिश्तेदार गलत है जो प्लान बनाते हैं जो उससे जलते हैं जो उसे नीचा गिराना चाहते हैं आपके चचा जान आपके चचा जान कुरान उठा उठा के आपकी चची को गलत कहते रहे हैं क्या नाम था खालद खालद ये ना हाँ उसने पहल की थी उसके बाद आपका भाई शामिल हुआ था तो पहल आप लोगों के ही घर से हुई थी सताइस की रात को एक थंबनेल लगा हुआ था रमजान शरीफ का महीना था ये रमजान नहीं उससे भी पिछला रमजान की बात है और बहे थंबनेल पे लिखा था साजिद गंजर पत्नी इस तरह करके लिखा हुआ था बहुत गंदी गालियां थम पे लिखी थी बगैरत करके इस तरह से और मरासी लिखा हुआ था उसके ऊपर उसके बंदा पढ़ के जाता है ना कि क्या लिखा हुआ है टाइटल क्या लिखा हुआ है साजिद और सितारा का गंदा थामने लगाया हुआ था उस लाइव में आपके चचा जान गए थे और सितारा सपोर्टर्स फैंस बहुत अपसेट थे और उस लाइव को साजिद साहब भी देख रहे थे उसका भाई बहुत बुरा भला बोल रहा था अपने भाई को रमजान शरीफ में और कुरान उठा उठा के कह रहा था ये झूठे हैं ये दल्ला है ये हराम खाता है कमाई खाता है यूट्यूब की अपनी बीवी की वो आपके बहुत प्यारे चचू हैं तो वो आपके चचू जो हैं जो आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं मोहब्बत देते हैं प्यार देते हैं वालिद की जगह हैं आपके वो ये अल्फाज बोल रहे थे और सितारा और उसके हस्बैंड पे बहुत बातें की उसने जो गालियां दे रहे थे ना उनको वो शवा शवा बल्ले बल्ले कर रहा था ये आपके घर से बातें शुरू हुई हैं कोई और नहीं लेके आया आपके घर से आपके आपका भाई भी आ गया था उसी लाइव में मैंने उसकी मिमी मिमिक्री मि मि भी की थी आ, अगर किसी ने देखनी है तो वो दे सकते हैं पाँच छः उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिफरें पिक्चर बनी हुई है थंबनेल पे मेरी कॉमेडी वाली वीडियोस में आपको नजर आएगी वो वीडियो जब सितारा सऊदीया में थे उस टाइम की बात है ये लोग सारे थे वहाँ पे तो आप लोगों ने क्यों ना रोका स्टार्ट आप लोगों ने ही किया था गिराने का आपके घर से किया गया था क्यों ना रोका गया सितारा के ही रूम में बैठ के सितारा को बुरा भला बोलता था और चाचा को ये गलत बात है तो लोगों ने हल्ला शेरी मजीद देना शुरू कर दी मज़ीद उनसे रबते रखना शुरू कर दिए मजीद गालम गलोच बातें बढ़ी आप अगर सपोर्ट कर रही हैं आप बोल रही हैं आपकी बातें मुझे अच्छी लगी हैं कुछ आप अगर कह रही हैं कि चचा और चची हमारा खून है हम कल को एक होंगे ईद होनी है मेरी शादी होनी है हम कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे कोई फौतकी हो जाती है हमने फिर इकट्ठे होना है बिल्कुल हम ये बातें मानते हैं लेकिन आप लोगों को ये क्यों नहीं बताती जो अभी आपके वीडियो में लेने के बाद जो है और काफ़ी रिएक्शन वाले ये कह रहे हैं कि उस बेचारी पे जुल्म हो रहा है आप बताएं क्या उस पे हो रहा है जुल्म कोसर पे क्या वो आसाइशों आप लोगों से भी ज्यादा आसाइश वाली जिंदगी गुजार रही है या नहीं गुजार रही है? आप प्लीज ये बताएं हक सच की बात करें आपको पता है क्या कह रही है मोहतरमा वो कह रही है बेचारी पे जुल्म हो गया दो पल खुशी के देखे उस बिचारी ने उसको तो बंद करके रखा हुआ है उसको तो तंग करके रखा हुआ है कौसर को दो पल खुशी की क्या मिले हीरा के ब्लॉग में लोग जल गए कौशर क्यों ना खुश हो कौशर क्यों ना सैर सपाटे करे कौशर के साथ इतना जुल्म खुद वो बाहर जो है मज़े उड़ा रहे हैं बेचारी कौशर कमरे में पड़ी है जुल भर गया मतलब इस तरह की बातें कर रही है <laughs> वो वो बेचारी डरी हुई रहती है वो बस हीरा के ब्लॉग में ही बहुत ज़्यादा खुश नजर आई लोग जल गए हैं उसकी खुशी किसी को हजम नहीं है वो बेचारी है वो बेचारी है क्या वो बेचारी है सच बताएं आप ब्लॉगर हैं प्रोफेशनल हैं आप बताएं <kling> क्या सितारा ने जो कमाया इनके नाम लगा दे अपनी सौतन के कोई ऐसे करता है कोई भी नहीं करता यार आप अपनी नंद को दे के आ, वो होता है मतलब आप, आप, आप आपकी नंद हालांकि आपके हस्बैंड की जदाद में भी उनका हिस्सा होता है खून का रिश्ता होता है जदादों में हिस्सा होता है उसके बावजूद भाभियाँ जल बुझ रही होती हैं नंदें जल बुझ रही होती हैं हमारी भाभी मजे कर रही है तो ये सौतन है हस्बैंड बांटा है तो इसलिए आप फिर ये भी लोगों को एक्सप्लेन करें यह भी बताएं आप लोगों को ये भी बात करें यह भी बताएं लोगों को कि ये खुश है और मजे में जिंदगी गुजार रही है उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है किसी की भी जरूरत नहीं है हस्बैंड आता है टाइम देता है आपके अब्बा भी तो सालों रह के आए हैं बाहर तो ये तो अपने बच्चों के साथ रह रहा है उनकी सिक्योरिटी की भी जरूरत है वो गरीब धमकियां मिलती हैं अच्छा जी हमारे ही लो, लोग रिएक्शन पे रिएक्शन खेल रहे हैं और अभी भी लगे हुए हैं मैं तो बस सबको एक करना चाहती हूँ पर काफ़ी लोग एक नहीं होना चाहते और बैड कमेंट तो हमारे रिश्तेदार दारों को भी आते हैं सितारा के खिलाफ चाचा के खिलाफ तो वो क्यों नहीं डिलीट करते लेकिन हम लोग एक हैं मेरी शादी पे या ईद पे सब एक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कभी ना कभी, कभी हम सारे एक होंगे हम खून के रिश्ते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं करते रहें करते रहो अल्लाह करे मुझे दो अल्ला करें मुझे दोबारा ऐसी वीडियो ना बनानी पड़े उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बातों की तो वो कह रही हैं कि भाई मैंने इसलिए उसको लिया कि मैं अकेली अगर बनाती लोग बातें करते कि अकेली गई थी ये किसके साथ फिर रही है ये वो इस तरह से तो खैर वो तो आप नाम भी बता सकते हैं मैं चच्ची के साथ आई हूँ उसको ज़्यादा नहीं पसंद लेकिन फिर भी फिर भी आ, देखते हैं जैसे साजिद की सदारा की अगर इनसे बात हुई है तो अगर आपस में इनकी बात हो गई है तो अच्छी बात है लेकिन आप लोग ये भी आँखें खोलें ना उन्हें जो टारगेट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं साजिद को और सितारा को क्यों टारगेट कर रहे हैं कहते हैं शादी नहीं हुई कभी कहते हैं वो बेचारी पे जुल्म होता है जुल्म करते हैं अब बताएं क्या हो रहा है उस पर जुल्म एक साल में कितनी बार उस बंदी ने सोने की शॉपिंग की है गोल्ड खरीदा है सितारा ने खरीद के है साजिद ने खरीद के दिया क्या आप लेती हैं क्या इतनी आसाइश और औरतें हैं अल्लाह नसीब करे सबके अच्छे नसीब करे लेकिन बात यह है कि यहां पे सितारा को ही क्यों गलत कहा जाता है, साजिद को ही क्यों गलत कहा जाता है हालांकि वो बहुत ज्यादा आसाइश देता है प्यार मोहब्बत से रखता है खैर यहाँ पे मैं बात करूंगी सितारा की रील की बहुत जबरदस्त रील आई है आए हाय नीले सूट में नीली कमीज मेरी पीली बहुत प्यारी लग रही थी <laughs> और नाना ने बताया कि अम्मा को मैंने वीडियो अब्बा को मैंने वीडियो कॉल की दूसरी अम्मा से मैंने बात की और उसके बाद जो है मैंने वीडियो कॉल पे उनका फेस रिवील मैं कर दूँ कर दूँ अच्छा नहीं करती थोड़ा सा दिखा दूंगी बस <laughs> और चाचा भी दिखा रहे थे घूम फिर रहे हैं दूल्हा दुल्हन मजे से मोटर बाइक पर आ रहे हैं जा रहे हैं अजकल ला जोड़ा पा मतलब उन्होंने दुपट्टा ही पहना हुआ है कोई और दुबट्टा नहीं मिला भाई आपको तो शादी से पहले भी वही बाद में भी वही अभी भी वही मतलब ये इनका थमने ही बन गया है क्या कहूँ मोनोग्राम मोनोग्राम बन गया है ऐसी कुछ है हाँ चलो जी इस बंदी ने तो बात क्लियर कर दी बंदा जी पुत्र सही तरीके से बात की अच्छा लगा है <laughs> लेकिन आप उन लोगों को दें जवाब आप उन्हें भी दें जवाब कि मेरे चाचा नहीं जुल्म करते अगर करते भी हैं तो भी बताओ हम नहीं कह रहे कुछ छुपाओ हम नहीं कहते कुछ आप छुपाएं साजिद जी या सितारा कहते आप बताओ क्या ये लोग जुल्म करते हैं उस पर क्या उसके उसको रोटी नहीं देते खर्चा नहीं देते क्या साल में कितनी बार उन्होंने गोल्ड खरीद के दिया क्या आप लोग खरीदते हैं इतना महंगा यार ढाई लाख पौने तीन लाख पे है गोल्ड यहाँ पाकिस्तान में और लाख कमाना भी आसान बात नहीं है यहाँ पे पापड़ बेलने पड़ते हैं मैं ये हैरान हूं बीस हजार तनख्वाह तो पे लोग घर कैसे चला रहे हैं तो हालात ही खराब हो चुके हैं पाकिस्तान अल्लाह मददगार है चलो जी इसके साथ ही मुझे इजाजत है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं फिर कर मिलते हैं अल्लाह हाफेज